मैं बहुत स्वागत करना थोड़ा स्वागत है कि जदों भी असीं तुहानूं याद कीता तुसीं शॉर्ट नोटिस ते पधारे हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे चंडीगढ़ के ऑफिस। तो पहले तो तुहाडे माध्यम दे नाल मैं धन्यवाद करना और मुबारक देना जिहड़े लखां बीजेपी के कार्यकर्तावां ने मोदी जी नूं दुबारा प्रधानमंत्री बनाने दे लई श्रमदान किया, कड़ी मेहनत की है, जिहदे इसके सब तो ज्यादा धन्यवाद है बूथ के कार्यकर्ता का कि जिन्होंने मोर्चिया से लड़ाई लड़ी और उस तो बाद लोक सभा प्रभारी तक एक वड्डी टीम सी। यह सफर एक साल पहले शुरू होया सी जिस वेले मैनूं दायित्व मिलिया और असी तुरंत काम दे विच लगे और मैं बहुत धन्यवादी हाँ पंजाब के निवासियों का भी कि जिन्होंने इन्ना सहयोग दिता है भारतीय जनता पार्टी को पंजाब दे विच इस लोक सभा चुनावों के विच। और कार्यकर्ता जिहड़ा कि जूझिया इन्ने कार्यक्रम दिते ने असी कि एक साल के विच कोई दिन ऐसा नहीं गया जदों कोई ना कोई मुहिम ना चलती हुए जिदे कि सरकार के खिलाफ जो पंजाब की आ रोस रूप जो साडे प्रदर्शन सीगे या मोदी जी की उपलब्धियां दे बारे जिहड़े कार्यक्रम सीगे इतिहासिक रैलियां हुई जिदे कि गुरदासपुर की रैली प्रधानमंत्री जी आए, मलोट की रैली प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने सफल कार्यक्रम और अलग अलग जिहड़े साडे शुरू स्वागत समारोह रैलियां का रूप धारण करके फिर असी पद यात्रा कटी सी कि डुबिया पंजाब कैप्टन गद्दी छोड़ो और वो पद यात्रा जी सी वो साड़ी बड़ी सफल पद यात्रा हुई। हजारा लोग सड़कों के उत्ते भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के उतरे और अज जो जित हुई है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साढ़े राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी समस्त भाजपा की लीडरशिप को बधाई देना कि 303 साढ़े अज इतिहासिक फिगर हुई 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के और 353 सांसद जिहड़े NDA दे चुन के आए ने और 50 साल के बाद किसी नेता के नेतृत्व के दोबारा कंजैक्टिवली पूर्ण बहुमत प्राप्त जिहड़ा कि मोदी जी नूं प्यार और सत्कार मिले क्योंकि उन्होंने वादे भी पक्के सी उन्होंने इरादे भी पक्के सी और ये बदले की सरकार नहीं सी ये बदलाव की सरकार और अज ऑन द कॉन्ट्रेरी जिहड़ी कांग्रेस है वह अज इन फाइटिंग का शिकार हुई। तुहाडे सामने कांग्रेस जो इस वेले रस्साकशी चल रही है 25 साल सरकार दे हो गए है इको ही असी अभियान देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन लाएगा। अज अमरिंदर सिंह जी अपनी कुर्सी बचाने च लगे ने और नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे एजेंट जिहड़े ने राहुल गांधी ने छड्डे हुए वह CM की कुर्सी नूं झटकाने च लगे हुए। अज राहुल गांधी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी विचित्र पार्टी है कि जिहड़े पूरे दम दे नाल लगे ने कि कैप्टन सरकार नूं कमजोर किस तरह कीता जाए। मैं समझना मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा सी कि कैप्टन फौजी स्वतंत्र सुभाव दे ने ना वो अपनी हाईकमांड नूं मनदे ने ना उन्हां दा राष्ट्रीय नेतृत्व कैप्टन साहब नूं मनदा। सो इन्नियां वड्डियां गलतियां दे बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू जैसे दीमक कांग्रेस ही भेजे हुए ने राहुल गांधी ने कैप्टन की जिहड़ी कुर्सी है उन्हें दीमक बन के चल रहे हैं। अज जो उन्होंने रस्साकशी चल रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सब दे विच मनिया कि अज नवजोत सिंह सिद्धू के उहदे साथी जिहड़े ने वह मेरी कुर्सी झटकाने के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। दूसरा जो असीं 25 साल तो कहते रहे कि निकम्मी सरकार है इन्होंने पंजाब के उत्ते कलंक बन के लग गए।